अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ होममेड फोंडेंट। बहुत से लोग समझते हैं कि घर में फोंडेंट बनाना बहुत मुश्किल है या बहुत ट्रिकी काम है, लेकिन ये बहुत इजीली आप घर में बना सकते हैं इसको, जैसे मैंने तैयार किया है। तो मुझे फोंडेंट चाहिए था, मैंने केक बनाना था भाई की बर्थडे के लिए, लेकिन मुझे फोंडेंट कहीं से भी नहीं मिल रहा था अपने एरिया से। और फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसको घर में ही तैयार करूँ। तो मैं अभी ये बना रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ फोंडेंट, और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी जो है वो शेयर कर दूँ साथ ही, तो ताकि आप भी घर में इजीली फोंडेंट तैयार कर सकें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मार्शमेलोज लिए थे, यहाँ पे इसके पैकेट पे लिखा हुआ था 225 ग्राम्स। और अभी इसमें दो कलर्स हैं तो मैं अलग कर लूँगी, पिंक अलग और वाइट वाले अलग। तो वाइट जो हैं आई गेस 125 ग्राम्स थे और ये वाले 100 होंगे। तो अभी जो है इनको मेल्ट करना है माइक्रोवेव में रख के, ठीक है। आप बाउल में निकाल लें मार्शमेलोज को, उनको माइक्रोवेव में सिर्फ 1 मिनट दें, और जब वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में इस तरह से हो जाएंगे तो फिर आपने इसको आइसिंग शुगर में ऐड करना है, ठीक है। आइसिंग शुगर जो है मैंने छान ली थी, और मैंने आपको इस तरह से क्वांटिटी बताई है, नीचे जो कैप्शन आ रहा है वो 100 ग्राम का, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि अगर आप 100 ग्राम्स ले रहे हैं मार्शमेलोज तो इसमें आप 1 या 1.25 कप जो है वो पहले चीनी ऐड करेंगे, ठीक है। चीनी वैसे ज़्यादा भी ऐड हो सकती है, तो लेकिन अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ 1.25 कप चीनी ली है और 100 ग्राम जो है वो हमारे पास मार्शमेलोज थे। तो इस तरह से मैंने इसको, पहले आप चीनी फैला लें एक प्लेट पे, और उसके बाद जो हमने माइक्रोवेव किया था, मेल्ट किया था मार्शमेलोज को, वो आपने इसके ऊपर डाल के इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है, ठीक है। ये देखें, बस ऐसे आपने इसके ऊपर शुगर लगा लगा कर इसको फोल्ड करते जाना है, और इतना फोल्ड करेंगे कि ये जो डो है वो थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में आ जाए, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी हार्ड नहीं करना, लेकिन इतना हो कि ये आपके हाथ से गिरे नहीं, जब आप इसको उठाएं तो ये स्ट्रेच ना हो। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी मुझे शुगर कम लग रही थी, ये काफ़ी सॉफ्ट था अभी भी, तो इसमें मैंने थोड़ी सी शुगर और ऐड की है। और अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये डो तैयार हो गई है, बहुत अच्छी तैयार हुई थी फोंडेंट की। और अब इसको मैं प्लास्टिक शीट में रैप करके रख दूँगी, तो आपने भी इसको प्लास्टिक शीट में रख कर इसको जो है वो करना है, फ्रिज में रख दें एयर टाइट कंटेनर में, और इसको एयर टाइट आपने करके बंद करना है ताकि ये सख्त ना हो। अगर आप इसको वैसे ही रख देंगे तो ये सख्त हो जाएगी और आप इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो केक जो है वो मैंने, क्योंकि अगले दिन बनाना था तो मैंने एक दिन पहले से ही फोंडेंट बनाई, इसको मैंने रैप किया, अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। मैंने साथ में रेड कलर का बनाया था, मतलब ये जो पिंक मार्शमेलोज हैं इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया था, और जिसकी वजह से मेरे हाथ बहुत ज़्यादा मैसी हो गए थे, इसको बनाते हुए बहुत ज़्यादा मैस होता है, तो लेकिन बहुत अच्छे तैयार हो गए थे। ये मैंने वाइट कलर में तैयार किया, ये देखें कितना सॉफ्ट है। और साथ में मैंने एक रेड कलर का बना लिया था और ग्रीन बनाया था, तो ये 3 कलर्स मैंने बनाए थे। आप लोग भी ट्राई कीजिए घर में, केक इससे बहुत अच्छे डेकोरेट होते हैं और बहुत मज़े के बनते हैं। और मैं आपको केक की रेसिपी बताऊंगी इंशाल्लाह, जो मैंने इससे केक बनाया था मैं वो ज़रूर शेयर करूंगी। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।